Welcome to Khalsa Little Flower School Learn From Home program. In the previous lecture, we had completed the problem sums up to the question number 12. So today we will start with the question number 13. Details of the fruits liked by the children of schools are given below. Write the answers to the question on the basis of it. हमें स्कूल में बच्चों की इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन से बच्चे को कौन सा फ्रूट आता है या पसंद आता है. विच फ्रूट द चिल्ड्रंस लाइक, तो मैंगो, बनाना एंड एप्पल, तीन इंफॉर्मेशन दी गई है, तीन फ्रूट्स हैं एंड बॉयज गर्ल्स एंड टोटल, राइट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है करना है हमें, ये जो ब्लैंक स्पेस है वो फिल करना है, राइट. तो 2 + 9 11 कैरी 1 1 + 4 5 और 3 8 एंड 2 + 2 4. तो टोटल कितने चिल्ड्रंस को मैंगो भरा है, 481. 9 + 7 16 कैरी 1 1 और 7 14 कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3. Now here 6 + 8 14 carry 1 9 and 9 18 carry 1 and 2, right. अब हमने क्या क्या ये information find out कर ली है पहले ही on the basis of these information we have to answer these questions. The first question, how many children like mango. अब उन्होंने आपको कितने बॉयज या कोई गर्ल्स ने पूछा, क्या पूछा है, हाउ मैनी चिल्ड्रन. तो चिल्ड्रन का टोटल कहाँ पर है, यहाँ पे, और मैंगो, तो हाउ मैनी टोटल चिल्ड्रन लाइक मैंगो, तो 481. नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक एप्पल. अब एप्पल कहाँ है, ये रहे, उनमें टोटल एप्पल का टोटल कितना है, 284. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 284. How many children like bananas? तो bananas total कितने बच्चों को पसंद है? 346. Right? Now next, how many total number of boys like mango and banana? अब आपको क्या पूछा है boys के बारे में? तो यहाँ पे boys है और उनको क्या पसंद का पूछा है हमें? Mango and banana. तो कितने boys को mango पसंद है? 242. और कितने बॉयज को बनाना पसंद है, 169, राइट. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले ही प्लस कर लेंगे हम, 242 + 190 169 9 + 2 11 5 और 6 11 3 और 1 411. तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कितने बॉयज को पसंद है मैंगो और बनाना, 411, राइट. इन द सेम वे वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स लाइक बनाना एंड एप्पल. अब हमें क्या करना है, गर्ल्स के कॉलम में बनाना एंड एप्पल देख रहे हैं, तो 177 and 98, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 8 + 7 15 कैरी 1 8 and 9 17 कैरी 1 and 275. कितना हुआ, 275. सो यू हैव टू राइट डाउन 275 here. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक मैंगो एंड एप्पल. अब यहाँ पे किसके बारे में बात हुई है, चिल्ड्रन की. तो टोटल चिल्ड्रन का यहाँ पे लिखा है हमने, और क्या पूछा है आपको, नंबर्स मैंगो एंड एप्पल. तो मैंगो का टोटल कितना है हमारा, 481 प्लस एप्पल का टोटल 284. तो 4 + 1 5 8 + 8 16 कैरी 1 5 और 2 7, राइट. तो 765. नाउ हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक बनाना एंड मैंगो. अब हमें किसका टोटल करना है, बनाना एंड मैंगो. चलो बनाना का कितना है, 346, देन मैंगो 481.
6 plus 1, 7. 8 plus 4, 12. Carry 1. 4 and 4, 8. Total 827. So, first of all, हमें क्या करना है? जो blanks total दिए गए हैं, उन्हें हमें plus कर लेना है. And after that, we have to answer these questions. So, in the same way, in question number 14 also, there are some information is given to you. And on the basis of this information, you have to write down the answers by yourself. Now move to the question number 15. The numbers in different ways as per example. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? Number को expand करना है. देखो, 50 तो 50 plus 6, 56 होता है. अगर हम 40, 40 plus 16 करेंगे तो भी क्या होगा? 56 होगा. तो हमें 56 इस तरह से डिफरेंट वे से हमें क्या करना है? एडिशंस करके बताना है. इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपांड द फॉर्म. ओके, सो लेट्स मूव. तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास 84. तो हम क्या कर सकते हैं? 80 प्लस 4 ऐसा लिख सकते हैं. 80 प्लस 4 फिर हम कैसे लिख सकते हैं? 80 की जगह हम 70 लिखेंगे तो हमें प्लस कितना करना पड़ेगा? 14. अगर हम 60 लिखते हैं तो 24, राइट? अगर हम 50 लिखते हैं तो 34, अगर 40 लिखते हैं तो 44. इस तरह से हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में एडिशन करके उसका टोटल क्या लाना है? हमें 84. तो सिंपली हमें सबसे अच्छा क्या होगा? हम पहले टेंस की वैल्यू लिख लेंगे. 60, 50, 40, 30, राइट? 60 में कितना प्लस करेंगे तो 67 हो जाएगा. 7, 50 में 17, 40 में 27, 30 में 37, राइट? तो 60 प्लस 7, 50 प्लस 17, 40 प्लस 27, 30 प्लस 37. नाउ 162. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 100 प्लस क्या लिखते हैं हम? 60 प्लस 2. इस तरह से हम एक्सपांड फॉर्म करते हैं. और हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 प्लस 62, राइट? कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 62. फिर 90 कर देते हैं हम यहाँ पे, तो 90 प्लस 72. यहाँ पे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, 80 प्लस 82. अगर हमने लिखा 110, देन 110 प्लस. ओके, सो दिस इज द वे यू हैव टू एक्सपांड द नंबर्स इन अ डिफरेंट वेज इन योर टेक्स्ट बुक. देखो 128 है तो 100 प्लस 28, 90 प्लस 38, 80 प्लस 48, 70 प्लस 58, 60 प्लस 68, 50 प्लस. मोस्टली आपको क्या करना है? यहाँ पे टेंस के नंबर्स लिखने हैं और बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स बचते हैं वो लिखना है. नाउ move to the exercise number 16. Add and subtract as per example. So let's move. In question number 16, we have to add and subtract as per the examples, right? अब examples में हमें क्या बताया गया है कि कोई भी दो number का हम addition जब करते हैं तो हम इनका अगर place change करते हैं तो answer change नहीं होता है. For example, 20 plus 50 लिखते हैं तो भी क्या आता है? 70. एंड 50 प्लस 20 लिखेंगे तो भी क्या आएगा? 70. तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जो दो स्मॉल नंबर्स हैं उन्हें प्लस करना है और थर्ड वन हमारा क्या आ जाएगा? आंसर. तो 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70 एंड 50 प्लस 20 इज ऑल्सो इक्वल टू 70. ये हमने क्या किया? एडिशन. इन द सेम वे वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन प्रोसीजर. जैसे 70 में से अगर मैं 20 माइनस करती हूँ तो क्या आंसर आता है हमारा? 50. एंड 70 माइनस 50 करूँगी तो आंसर आएगा 20. तो आपको क्या करना है? पहले दो बार एडिशन करके सेम आंसर्स लाने हैं एंड देन जो टोटल आए उसमें से वन बाय वन नंबर्स को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. ओके, नाउ मूव टू द सेकेंड नंबर 15, 40, 55. सो 15 प्लस 40 इज इक्वल टू 55.
और अगर हम ऐसा लिखती हूँ 40 प्लस 15 देन ऑल्सो इक्वल टू 55 राइट. नाउ सब्ट्रैक्शन 55 माइनस 15 यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा था 15 तो आंसर क्या आ जाएगा 40. अब यहाँ पे मैं अगर 55 में से क्या माइनस करती हूँ 40 तो आंसर आ जाएगा हमारा 15. तो यहाँ पे ये जो तीन नंबर्स दिए गए वही हमारे आंसर्स में इन्हीं तीन नंबर्स को हमने डिफरेंट वेज में लिखा है. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज बाय योरसेल्फ इन योर वर्कबुक. Correct alternative for each questions and write its order alphabet in. Right? These two numbers can make 700. देखो 300 plus 400 700 हमें तो first ही option मिल गया. तो यहाँ पे हम लिख देंगे A. देखो 5 plus 300 कितना हो रहा था 800 ये भी नहीं होगा. 6 plus 2 8 होता ये भी 800 हो रहा है. 2 plus 4 6 ये भी 600 हो. इसलिए answer क्या है हमारा option number A. A century plus a dozen and a pair. Century का मतलब क्या होता है 100, डजन मतलब 12, पेयर मतलब 2, राइट. तो कितना हुआ टोटल 100, 12 प्लस 2 114, ऑप्शन नंबर बी. नाउ हाफ ऑफ 100 एंड हाफ ऑफ 200. हाफ ऑफ 100 मतलब कितना हुआ 50 प्लस हाफ ऑफ 200 इज इक्वल टू 100. तो 100 प्लस 50 150. तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. इफ यू ऐड 168 टू मी आई विल बिकम 300. तो अब हम क्या करेंगे जब हमें एडिशन करने को बोला है और मिसिंग नंबर्स हैं तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे. तो 300 में से हम क्या करेंगे 168 सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो 10 माइनस 0 यहाँ पे 10 9 और 2 10 माइनस 8 2 9 माइनस 6 3 एंड 2 माइनस 1 132. तो 132 इन ऑप्शन नंबर ए. नाउ द सम ऑफ टू नंबर्स 776 वन ऑफ द नंबर इज 575. अब फिर से हमारे पास मिसिंग है ठीक है. तो दो नंबर्स दिए गए हमें उनको में से वन नंबर हमें पता है सेकेंड हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है. तो 6 माइनस 5 1 7 माइनस 7 0 एंड 7 माइनस 5 2. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन. सम ऑफ द लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. तो स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या होता है 100 एंड लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर 99. सो टोटल इज 9 एंड 1. सो 199 ऑप्शन नंबर डी. स्क्वायर इज इक्वल टू 210 है देन. तो ये 210 ये भी 210 मतलब क्या हुआ 2 प्लस 2 कितना हो गया 4. तो 4 2 1 तो 4 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा हमारा 40. 40 प्लस 21 61 कितना हुआ 61. तो ऑप्शन नंबर डी. सो यू हैव टू कंप्लीट दिस एमसीक्यू इन योर वर्कबुक. थैंक यू. स्टे होम स्टे सेफ.